खबर गोंडा जिले से है, जहां पर भारी बरसात से हैरान परेशान नजर आते लोग। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को ब्रेक लगा दी है। सुबह से रुक रुक कर बारिश, शाम पानी ही गिरता रहा। इसकी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। रोज मजदूरी करने वाले मजदूरों की मजदूरी नहीं लग रही है। वहीं स्कूल छात्र छात्राएं बच्चों को भी ब्रेक लग गई है। कर्नलगंज तरबतगंज क्षेत्र बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मजबूर होकर लोगों को अपना घर द्वार छोड़ना पड़ रहा है। माझा क्षेत्र में तो कई जगह प्राथमिक विद्यालय को बंद करना पड़ा। स्कूल के बरामदे तक तो पानी भर गया। लोगों को सुबह बच्चों के स्कूल जाते समय ही पानी गिरने का लगा, जिससे अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बरसात से गोंडा पोटरगंज बाजार से स्टेशन रोड तक 4 लाइन सड़क का निर्माण कर दिया गया है। सड़कें तो ऊंची हो गई हैं, लेकिन मकान नीचे हो जाने के कारण पानी नाली नहीं बनाई गई है, जिसके कारण लोगों के घर में पानी बरसात का भर रहा है। लोगों ने सड़क बनाने वाली कंपनी SDPL का कहना है कि हमको नाली निर्माण करने का कोई ठेका नहीं मिला है। नगर पालिका के अधिकारी जिला प्रशासन को कई बार शिकायतें की गई हैं, जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस खबर में बस इतना ही। श्रवण कुमार शुक्ला, ये बताइए, 2 दिन से भारी बारिश हो रहा है सुबह शाम, इससे रोड पर पानी भर रहा है, क्या है? अरे भारी बारिश से हम लोगों के घर में पानी घुस रहा है और इससे जीवन अस्त व्यस्त पूरा है। बनने से 2 साल हो गए, लेकिन सड़क ऊंची बनी है और नाली नहीं बनी है, तो वजह से हम लोगों के घर में पानी घुस रहा है।